को देता है, एक के साथ सत्तर सत्तर को देता है, क्या दे रहे ताकि ये ना कोई कहे मैं आके ले जा रहा हूं, फखर खत्म, साथ जा रहे हैं। नबी भी नहीं कहेगा मैं अकेले ही जा रहा हूं, साथ लेकर जा रहा हूं। रोक लेगा अल्लाह अकेले जाने वाले को, रोक लेगा। आज तो हम अकेले आगे निकलते हैं ना, कुछ वक्त नहीं अल्लाह कहते मैं रोक लूंगा, उसे कहूंगा कहाँ जा रहा हूँ, कहेगा अल्लाह तूने मुझे जन्नत दी, मैं जा रहा हूँ। कहा कि इन लोगों ने तेरे साथ नेकियाँ की हैं, उन्होंने मेरी वजह से की थी, आज बख्शिश की वजह भी मैं ही हूँ, जाओ ना जन्नत में। इस वजह से कहते हैं बुजुर्गों की खिदमत सिर्फ अल्लाह की वजह से किया करो, तो हदीस में साबित हो जाएगा कि वो तुझे साथ जन्नत में लेगा। हदीस से छोड़े नहीं, क्यों? वो तो तुम्हें भूले होंगे, अल्लाह नहीं भूला होगा, क्यों? तुमने अल्लाह के लिए बुजुर्गों के साथ नेकी की थी, तो बुजुर्गों को अल्लाह रोकेगा खुद नहीं? अल्लाह कहेगा मेरे साथ आ जाए, मेरे नाम से आ जाए, कौनी के नाम से आ जाए। जो ये हम पे अड्डे ठोकते हैं कि लोग जिनको पूछते होंगे उन्हीं के साथ जाएंगे, तो यहाँ भी यही है कि जिनके अल्लाह के लिए हमने खिदमत की होगी उन्हीं के साथ जन्नत में जाएंगे। एक जहन्नम में जा रहा है वो भी अकेला नहीं, साथ लेकर जा रहा है, और ये जन्नत में जा रहा है वो भी अकेला नहीं, साथ लेकर। आए तो एक ही है, जिस तरह मर्जी तुम्हारा, जिस तरह तुम्हारा मसलक देखा जाएगा कि तुम्हारा नजरिया किस तरह बनाया गया है, ठीक है? अब तेरा नजरिया बुतों वाला बना दिया गया है, शायद से अल्लाह कह रहा है साथ जाओगे। अरे ये भी बताओ, अल्लाह अपने बंधु के बारे में कह रहा है कि साथ लेकर जाएंगे, मैं नहीं किसी को लेकर जाऊंगा। जो ये कहते होंगे अल्लाह में जन्नत देगा, वो पहले पूछे तो सही, जन्नत वालों की वजह से अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। जन्नत की वजह से अल्लाह जन्नत नहीं देगा, और जहन्नम वालों की वजह से अल्लाह तुम्हें जहन्नम देगा। जहन्नम की वजह से अल्लाह किसी को जन्नत में नहीं देगा, तो जहन्नम तो डराने के लिए बनाई गई है ना, ताकि तुम डरो। जन्नत अपनाने के लिए, अब जब जन्नत की तरफ तू जाना चाहता है तो उनके साथ हो जाना जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, साथ। तो बुजुर्ग को हम क्यों कहते हैं, बुजुर्ग का साथ क्यों मांगते हैं? और जो कहते हैं बुजुर्ग तुम्हें बचाएंगे नहीं, उनको हमें भी बताने नहीं बचाएंगे, मगर अल्लाह कहेगा बुजुर्ग को इनको बचा, फिर वो हमें बचाएंगे खुद से। वो ना दुनिया में हमें बचा सकते हैं ना आखरत में, वो अल्लाह के हुक्म से दुनिया में भी हमें बचाने वाले, वो अल्लाह के हुक्म से आखरत में हमें बचाने वाले, वो तो हुक्म पे चलते हैं। तो अल्लाह का हुक्म होगा तो वो हमें बचाएंगे दुनिया में भी और आखरत में। और वो हम बचाने वाले क्यों बने हैं, ये भी बहुत, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म पे अमल करते हैं। जब वो अल्लाह के हुक्म पे अमल करने वाला होगा तो वो हमें बचाने वाला है। इसलिए हम कहते हैं औली अल्लाह साहबा इकराम अंबिया रसूल हमें बचाने के लिए पैदा हुआ, उनके मकसद ही बचाना था। रब ने खुद थोड़ी कहा कि मैं आके बचाऊंगा, कहा ये बचाऊंगा, इनकी इबादत जिस चीज की ये इबादत करते होंगे मैं कर रहा हूं, ठीक है? ये फर्क है, जुमनों की अदायगी सीखी जिससे होगी वैसे ही हम जुमले अदा करेंगे। अब हमने शिया से सीखी है तो उनके जुमले होंगे, हमने सुन्नी से सीखी है उनके जुमले होंगे,
ये सीखना और सिखाना है, तुमने उस्ताद भी जानना है कि मैंने किसको उस्ताद बनाया है। वो जिस मसलक का उस्ताद होगा उसी मसलक की तो बातें सीखेगा, उसी मसलक। तो साबित क्या हुआ, सब काम उस्तादों के हैं, वो शिगिर्दों के जैसा मजबूत बंदा खुद से ना बनता है ना बना जाता है, एक दूसरे से ही बनता है, एक दूसरे से बिखरता है। ये है जब हदीस पढ़ेंगे पुल सरात पे, वही बताओ मौलवियों ये पुल सरात पे किनको रोका जा रहा है, और अल्लाह कह रहा है ये नीचे जो तुम्हें आवाजें दे रहे हैं ये कौन लोग हैं जिन्होंने तेरे साथ दुनिया में नेकी की। नेकी है दीन, क्या है नेकी, हम बुजुर्ग के साथ नेकी करते हैं, बुजुर्ग हमारा साथ नेकी करते हैं। नेकी की तहकीब देना, नेकी की तरफ बुलाना और नेकी करना सिखाना ही तो दीन है। वो फिर कहेगा अल्लाह कहेगा ये जो तुम्हें नीचे से आवाजें मार रहे हैं, जा मैं आज तुझे ज्यादा देता हूँ, इन्होंने तेरे साथ नेकियां की थी तो इन्हें अपने साथ जन्नत मिल गई। पता हुआ कि जो हम बुजुर्गों ने दीन के बारे में कहते हैं कि अगर हम जहन्नमी भी हैं तो अल्लाह के वली हमें जन्नत दे देगा, वो क्यों देगा जन्नत अगर हमने वली के साथ नेकी की होगी। क्या बोल नेकी की, तो हदीस में नेकी की वजह से तो जन्नत मिलती, अब की किसके साथ, अल्लाह वालों के साथ किए, फकीर के साथ किए, आलमे दीन के साथ किए, क्यों किए, अल्लाह के लिए किए, ये अल्लाह के दोस्त, ये अल्लाह के इलम वाले, इनके साथ नेकी करना अल्लाह का हुक्म है और नेकी ही निजात है। अब जन्नत में चला गया, तुझे बचाया किसने, जो तूने नेकी की अल्लाह वाले के साथ, फकीर दरवेश के साथ, मोमिन के साथ, अल्लाह उसे रोक देगा, इसको जन्नत में लेकर जा, इसने तुझे के साथ तेरे साथ जो नेकी की थी मेरी मोहब्बत में की थी, और जो मेरी मोहब्बत में करता है और मेरी मोहब्बत उसे क्या देगी, जन्नत देगी। जब तू भी मुझसे मोहब्बत करता था और ये भी तुझसे मोहब्बत करता था, क्योंकि इसे मेरी मोहब्बत थी दिल में, इसलिए अल्लाह रसूल ने कहा कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करते तो मुझसे करो, इसी तरह कहा कि मुझसे करते तो अली से करो, ताकि पता चल जाए कि कोई मोहब्बत खुद से नहीं करता, ना नबी से ना अली से, किससे भी वजह से करता अल्लाह की। तो साबित हुआ अल्लाह की मोहब्बत ही हमारी बख्शिश है, जो हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी बख्शिश है। तो बुजुर्गान दीन से जब इंसान अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है तो ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम इनसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो हदीस कहेगी ना इसको साथ जन्नत मिल जाती, और हदीस नबी नहीं कह रहा, कौन कह रहा, अल्लाह कह रहा। तो जो कहे मैं नहीं मानता, तो कहा अल्लाह पे ईमान क्यों लाया था, ईमान की जो शर्त ही रहने की ये थी कि अल्लाह की मानना, तो अपने हाथ से फिर गया है, तो तू तो मना कर, इसलिए कहा गया वो मुनाफिक है जो अली से मोहब्बत नहीं करते, जो अल्लाह का अहद ही मोहब्बत है और मोहब्बत ही तो मुनाफिक नहीं करता। ये तो हदीसें हम लोग कहते हैं नहीं, कहाँ लिखा हुआ है तुम्हें कोई पी बख्शवाएगा, कहा बख्शवाने की नहीं बात, जहन्नम से भी निकाल लेगा, तो सिर्फ बख्शिश की बात है, हदीस पर अल्लाह पीर को जाने नहीं देगा आगे, अगर वाकई अल्लाह वाला है, कहे जहन्नम में जो तुझे पुकार है इनको साथ देगा,
ऐसे होते अल्लाह के नबी ने और अल्लाह ने उम्मतों को बांटे हैं, अपने नबी ने अपनी उम्मतियों को बांटे हैं। तो बांटने वाले से पूछ, उसने क्यों बांटा है, बताने वाले से क्यों पूछ रहा है। क्योंकि मेरी खिदमत करोगे जन्नत में जाओगे, मगर शर्त मैंने बता दी, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते तो करना, वरना ना शर्त। खिदमत का सिला तुम्हें तभी मिलेगा अगर तू अल्लाह से मोहब्बत की वजह से हमारी खिदमत करेगा, वरना कुफर करेगा। क्या करेगा? तो नफ्स से मोहब्बत करना भी कुफर है। इसलिए कहते हैं मोहब्बत सिर्फ अल्लाह और रसूल के लिए किया करेगा।